नमस्कार मित्रों, कीव पहुंच चुका हूं। कीव यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, आजकल स्वतंत्र देश है। यूक्रेन की अपनी एयरलाइन है, यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन। लोग बोलते हैं कि काफ़ी खटारा है, लेकिन बैगेज अधिक देती है, सामान ज़्यादा ला सकते हैं आप। 23-23 किलो के दो बैग और दो हैंड बैगेज भी, और हैंड बैगेज में अपना कंप्यूटर भी उठा के ले आया हूँ। और दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि अब जा कर के बच्चे को देखना है, तो यहाँ पर एक पिता की जिम्मेदारियों को लेकर के प्रदर्शनी लगी हुई है कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्वीडिश डैड और यूक्रेनियन डैड। इस वक्त मैं कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, जो यूक्रेन की राजधानी है। ये एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी लग रही है, पर यूक्रेनियन भाषा में लिखा है। ये देखिए, दो दो बच्चे के, बहुत छोटे बच्चे मिल रहे थे पैदा होने के ठीक बाद के। जोहार दोस्तों, कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो यूक्रेन की राजधानी कीव, वहाँ से हूँ अभी आपके साथ जुड़ा हुआ। यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट है। बच्चा ट्रॉली में ही सो गया है। हमारा बच्चा वैसे सो जाता है। ओ, सुसु करने पे ध्यान नहीं है बेटा, फोटो खिंचाने में। ये जिन्होंने बाद में शुरू किया, राहुल, ये कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पिताओं के बारे में एक प्रदर्शनी लगी है। अब मुझे यही भूमिका निभानी है। एक लेवे का भाई एरो इंतजार कर रहे हैं। अंकारा से कीव की फ़्लाइट अच्छी रही, लेकिन खाना नहीं दिया यार। मैंने खाना बुक किया था, पैसा भी उसके लिए अलग भरा, लेकिन केबिन क्रू से पूछने पर पता चला कि उस फ्लाइट में खाना ही नहीं होता। बहुत तेज़ भूख लगी है, सुबह से पैकिंग कर रहा था। इसलिए वहाँ पर भी खाना नहीं खाया, यहाँ पर भी खाना नहीं मिला। ये कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिताओं की जो भूमिका है बच्चों को पालने में, वक्त बदल गया है, धीरे धीरे अब पिता भूमिका निभाने लगे हैं।
तो ये प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर। ये कीव का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कैसे हैं आप लोग? कल किस किस से मुलाकात हो रही है? सुबह पहुंच रहा हूं दिल्ली, मिलते हैं जल्दी। गुड नाइट, शुभ रात्रि आपको। यहाँ पर एक ड्यूटी फ्री की दुकान होती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कहीं भी दिल्ली में भी है, और वहाँ पर आप कुछ सामान खरीद सकते हैं जो बाज़ार से सस्ता होता है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर मुख्य तौर पर शराब ही मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की शराब। देखिए ये ड्यूटी फ्री की। ये ब्रांड्स है जिनकी शराब मिलती है। पूरा शराब से भरा हुआ है, जिस ब्रांड की चाहिए उस ब्रांड की ले लीजिए। कुछ काम के सामान तो मिलते नहीं हैं, जो मिलते हैं बहुत महंगे मिलते हैं, कहने को ड्यूटी फ्री में। सुनने में आया है कि यूक्रेन की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, काफी खराब है। यस, दिस इज ओवरसाइज्ड हैंड लगेज। जस्ट अ मिनट।